वो सुल्तान असरा का भतीजा आया था शायान। तो वो असरा के मुकाबले में बड़ा चालाक निकला। नजरों ही नजरों में सारे हालात का जायजा ले गया और जाते ही अपने बाप को असरा के जहनी हालात के बारे में बता दिया और फौरन ही उसके भाई की कॉल आ गई और पता है बहुत तल्ख लहजा था उनका। तल्ख लहजा था तो होता रहे, डरता नहीं हूं मैं उनसे। अगर उनकी बहन पागल है तो उसमें मेरा ही आपका क्या कसूर है? हमने थोड़ी किया उसको पागल, उनको तो एहसान मंद होना चाहिए हमारा कि पागल बहन को संभाल रहे। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह बात कर रहे हो। जो सच है वो कह रहा हूं, भुगत तो रहा हूं और क्या कर रहा हूं। तरस ले जाता अगर इसके भाई ने मेरे साथ जरा सा भी रूड बिहेवियर रखा, बताऊंगा उसे मैं कौन। सुल्तान, घर के मामलात इस रवैये से सीधे नहीं होते। तो फिर और क्या करूं, खुद को फांसी लगा लूं? अल्लाह ना करे, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो बस इतना कह रही हूं कि असरा के साथ जरा नरमी से पेश आया करो। ताकि वो नॉर्मल हो जाए। और क्या तुम नहीं चाहते कि इस घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजें? कोई छोटे छोटे कदमों से भागता दौड़ता इस घर में फिरे और जब तुम ऑफिस से आओ तो कोई आके तुम्हारे पैरों से लिपट के तुम्हें कहे कि अब्बू अब्बू, कैसा लगेगा तुम्हें? जो दिमागी हालत असरा की है, मैं वाकई नहीं चाहता कि औलाद हो। जो बच्चा इस दुनिया में आएगा वो भी सफर करेगा। ये अपने आप को तो संभाल नहीं पाती, बच्चे को क्या खाक संभालेगी? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सुल्तान? जो सच है मैं वो बता रहा हूं, इसलिए हूं मैं इससे शादी करके। अब जैसी भी है, हो गई है ना शादी, तो उसे ठीक से निभा लो। बिल्कुल ठीक निभा रहा हूं, और ये मेरा निजी मामला है। मेरे पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर करे मुझे सख्त नापसंद है। आज के बाद ये टॉपिक मुझसे डिस्कस मत कीजिएगा।